तो इस समय मेरे साथ है बॉलीवुड के सबसे हॉटेस्ट हंक जॉन अब्राहम और साथ में है पाखी। जॉन फिर से कुछ इस जो नए अंदाज में दिख रहे हैं बॉलीवुड के, आजकल उन्हें नंबर वन झूठा कहा जा रहा है। जॉन आपको आजकल बॉलीवुड का नंबर वन झूठा क्यों कहा जा रहा है? जी एक्चुअली पता नहीं मुझे ये इसका किताब क्यों मिला है, झूठे का किताब क्यों मिला, क्योंकि इस फिल्म में मैं बहुत ही ईमानदार हूँ और बहुत ही ऑनेस्ट हूँ। एक्चुअली हम ही नहीं, लोग आपसे यहाँ पे जो NDTV में बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, लोग हैं, वो आपसे काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं, आपसे फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आप दरअसल कितना आप झूठ बोलते हैं नहीं बोलते, आपका सबसे पहला झूठ कौन सा था। वी हैव विमल है, विमल आप क्या पूछना चाहेंगे जॉन से और पाखी से? प्लीज आप स्पोर्ट्स फ्रीक हैं, अभी कॉमनवेल्थ में सबसे बड़ा हीरो आपको कौन लगा? द गवर्नमेंट सबसे बड़ा झूठ। They were the only failure. But what did you like actually? I really liked the fact that the government got 70,000 crores and they knew how to spend those 70,000 crores. But what a job they've done with 70,000 crores. और इसके बाद सच बोलूँ, सच बोलने में सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन निकला? नहीं कॉमनवेल्थ की बात कर रहे हैं हम जी, आई थिंक सुरेश कलमादी इज बीन ऑनेस्ट। अभी ये हंस रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। आई कॉन फॉर आर यंग पीपल, थैंक यू वन थिंग जी, वांट टू टेल देम इन वन सेंटेंस में इतना ही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई करो, क्योंकि इंटेलिजेंस शोज और बॉडी वो सब ठीक है एक साइड पे, आप जिम करो, लेकिन यहाँ जो इंटेलिजेंस आप ऑडियंस को दिखा सकते हो या अपने सोसाइटी को, उससे ज़्यादा कोई चीज़ है नहीं। तो प्लीज़ स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड एडुकेट योरसेल्फ। एंड बॉडी मेरे पे छोड़ दो, मैं बना रहा हूँ ना बॉडी, मुझ पे छोड़ दो।